हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं एमपीसीएचओ के पेपर से रिगार्डिंग। आज एमपीसीएचओ का पेपर वो हो चुका है और मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके साथ में शेयर कर देता हूं। अगर आपको पता है और क्वेश्चंस, देखिए जिन्होंने सीएचओ की एग्जाम दी एमपीसीएचओ की, वो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप मुझे इनके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको पता है प्लीज मुझे शेयर करें, जिससे मैं और लोगों को भी शेयर कर सकूं। बाकी आपको अगर मेरे को अदर क्वेश्चंस मिलते हैं तो ठीक है, नहीं फिर जब भी आंसर की आएगी तो आपको बता दिया जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के लिए साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी वगैरह न्यू निकलती है उनके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस पेपर के अंदर। एमपीसीएचओ के पेपर से जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मिल्क सप्रेशन ड्रग से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी ड्रग है जो मिल्क सप्रेशन का वर्क करती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वहां पे आपको आंसर करना था ब्रोमोक्रिप्टिन। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, लेकिन जो मेरे को क्वेश्चन मिले वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए जो आपको आंसर करना था मिल्क सप्रेशन ड्रग का, वो आपको आंसर करना था ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल वर्क ऑफ आशा आर एक्सेप्ट। आशा मीन्स होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाता है, तो सभी वर्क आशा के होते हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, ए IFA टेबलेट यानी आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट ये प्रोवाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है आशा। ORS पैकेट ये भी दे सकती है आशा, ये भी फंक्शन आशा का। नेक्स्ट ART ड्रग्स जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है या एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आप बोल सकते हो। ART का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो जो ART ड्रग्स है क्या आशा प्रोवाइड कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आंसर करना था ART ड्रग्स। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्विन टेबलेट ये भी जो आशा है वो प्रोवाइड करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई एन एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन देखिए, ए लेप्रोसी, बी नोकार्डियासिस, सी टाइफॉइड, डी ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टाइफॉइड। बाकी जो तीन कंडीशन आपको दे रखी है तीनों एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव एजेंट बताना है लेप्रोसी, नोकार्डियासिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तीनों के आपको पॉजिटिव एजेंट बताने हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे आपको ये भी पता चल सके जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन से होते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। इंडिया के अंदर जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया था या लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको करना था 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। देखिए जो इंडिया के अंदर जो इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, या आप इसको बोल सकते हो मिशन इंद्रधनुष। आपको पता होगा मिशन इंद्रधनुष, इसको कब लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। आपको आंसर करना था 25 दिसंबर 2014, यानी कि 25 दिसंबर 2014 आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको डेट दी गई है, ओनली सिर्फ सन दी गई है यानी कि 2014 2013 2012, ऐसी अगर आपको ऑप्शन दिए गए थे तो फिर आपको आंसर करना था 2014। ये आपको अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो मिशन इंद्रधनुष है या फिर इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है। इंद्रधनुष प्रोग्राम आर रिलेटेड टू, यानी कि जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको आंसर करना था इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अगर आपने आंसर किया है तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेज डे। नर्सेज डे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नर्सेज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको आंसर करना था 12 मई, यानी 12 मई आपको आंसर करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरफोर्स डे, दो क्वेश्चन पूछे गए थे डे से, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको आंसर करना था 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनका नाम आपसे पूछा गया था और आपको आंसर करना था भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह
कोश्यारी। कौन है महाराष्ट्र के गवर्नर? आपका आंसर करना था भगत सिंह कोश्यारी। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ NRR। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी MPCHO की रिगार्डिंग या फिर किसी भी CHO की रिगार्डिंग में मॉडल टेस्ट पेपर बनाता हूँ तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, NRR का पूरा नाम आपको बताना था। आपको आंसर करना था नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, जो रूबेला है उसको अदर किस नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर करना था जर्मन मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी इज। देखिए क्वेश्चन हो सकता है ऐसा पूछा गया आपको कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी की, वो सभी फर्स्ट लाइन ड्रग है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला है। मेरे को इतना ही क्वेश्चन मिला है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो टीबी की पूछी गई थी। आपको आंसर करना था आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथांडोल। इनमें से अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन दिया गया था तो आपको आंसर इन्हीं में से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकीथेरेपी आर यूज्ड इन, जो ब्रेकीथेरेपी है वो किसमें यूज ली जाती है? आपको पता होगा ब्रेकीथेरेपी है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है। फ्रेंड्स मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला है, मेरे को सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मिला था कि ब्रेकीथेरेपी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, साथ में आप ऑप्शन जरूर बताएं जिससे मैं आपको आसानी से आंसर बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिएटिव केयर आर रिलेटेड टू, जो पैलिएटिव केयर है वो किससे रिलेटेड है? आपको आंसर करना था इम्प्रूव द क्वालिटी केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट, जो टर्मिनल इल पेशेंट होते हैं उनकी जो क्वालिटी है यानी कि जो केयर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना ही क्या कहलाता है, पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम आपको पूछा गया था। आपको आंसर करना था मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओबीजी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो मेरे को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज, जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है उसे क्या कहा जाता है? गुडेल साइन। याद रखिए गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस विच हॉर्मोन्स, जो पेनक्रियाज की इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? आपको ऑप्शन दिए गए थे, साथ में तीनों जो हार्मोन है उनके नाम दिए गए थे। आपको चूज करना था इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन, तीनों ही पैनक्रियाज की इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच केमिकल यूज टू डिकंटामिनेशन ऑफ कोरोना वायरस अफेक्टेड सरफेस, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी सरफेस है या सतह है जो अफेक्टेड हुई है यानी कि वहां पे कोरोना वायरस का संक्रमण है वो हो गया है, तो आप इनमें से कौन सा वो केमिकल है जो यूज करोगे उसको हटाने के लिए या डिकंटामिनेट करने के लिए? आपको आंसर करना था सोडियम हाइपोक्लोराइट, और यही क्वेश्चन राजस्थान CHO में भी पूछा गया था। अगर राजस्थान CHO का पेपर आपने देखा है तो आपका आंसर ये सही हो गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SARS, SARS का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। देखिए दो क्वेश्चन आ चुके हैं, SARS का फुल फॉर्म एंड NRR का फुल फॉर्म। मैंने जब भी पेपर वगैरह बनाए थे CHO के मॉडल टेस्ट पेपर तो मैंने कहा था कि जो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा CHN पूछी जाती है, CHN ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको क्या बनना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पता होना चाहिए। ओके आपको क्या पूछा गया था, SARS की फुल फॉर्म। आपको आंसर करना था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन के एट वन ईयर ऑफ एज, एक साल की उम्र में जो विटामिन के की डोज दी जाती है वो कितनी होती है? तो आप बोल सकते हो कि पहली डोज, हो सकता है आपको क्वेश्चन में अगली बार आपको ऐसा पूछ ले कि जो विटामिन के की पहली डोज होती है वो कितनी होती है, तो भी आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको आंसर करना था। अगर आपको पूछा जाए जो फर्स्ट डोज है विटामिन के की, उसके बाद में विटामिन के की कितनी डोज दी जाती है, फ्रेंड्स आपको बताना है, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बताना है जो विटामिन के की अगली डोज दी जाती है, पहली डोज कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद जो डोज दी जाती है वो कितनी दी जाती है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजोकोमियल निमोनिया अकर्स इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, इट इज मेनली कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस स्पीसीज। देखिए ये मैंने ही बनाया है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला था, मेरे को क्वेश्चन इतना ही मिला था कि नोजोकोमियल निमोनिया के कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स हो सकता है आपको पूछा गया हो जो नोजोकोमियल निमोनिया है वो किस कहां पर मेनली स्प्रेड आउट होता है, तो आपको आंसर करना था हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम। हॉस्पिटल आपको दिया होगा तो आपको वहां पे आंसर करना था हॉस्पिटल,
मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए मैंने ये पूरी लाइन है वो लिख दी है। जो नोजोकोमियल निमोनिया है वो मेनली कहाँ पर होता है? हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के अंदर। और ये मेनली किनके द्वारा कॉज होता है? स्टेफाइलोकोकल स्पीसीज के द्वारा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। यदि कोई कुत्ता किसी को काट जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉश द वुंड विथ सॉप एंड वाटर। जहां पर भी वुंड बना है, यानी कि जहां से कुत्ते ने काटा है, वहां से आपको क्या करना है? सॉप एंड वाटर उस वुंड को क्लीन करना है। सॉप एंड वाटर से उस जो वुंड बना है उसको क्लीन करना है, साफ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड को डिलीवरी के कितने समय बाद काट दिया जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो आमतौर पर बच्चे की प्लेसेंटा से अलग करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधकर काट दिया जाता है, ये तो आपको पता है, लेकिन WHO के मुताबिक, यानी कि WHO के अकॉर्डिंग जो समय दिया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधने का और काटने का, वो समय होता है 60 सेकेंड, यानी कि एक मिनट के अंदर अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को डिलीवरी के बाद में काट दिया जाता है। अगर आपने आंसर किया है 60 सेकेंड या फिर एक मिनट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी 2 से 3 मिनट किया है, उनका आंसर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GCS में क्या क्या असेस किया जाता है? मेरे को क्वेश्चन ऐसे ही मिले हैं फ्रेंड्स, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको वहां पे आंसर करना था EVM, आई वर्बल एंड मोटार फंक्शन। ये तीनों फंक्शन GCS के अंदर स्कोर जो असेस है वो किए जाते हैं। GCS का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्कोर। GCS में EVM, आई वर्बल एंड मोटार फंक्शन असेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो कब मनाया जाता है? आपको पता होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। देखिए, जो अगस्त है उसका पहला सप्ताह ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जाना जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग वीक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, अगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? आपको आंसर करना था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हो सकता है आपको क्वेश्चन किसी और पैटर्न से पूछा गया हो, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना ना भूले। यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट होते हैं, उनके अंदर मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करती है वो हार्मोनल बेसिस पे काम करती है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉपर टी है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो किस बेसिस पे वर्क करती है? ऑप्शन में आपको दिए गए थे बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, स्पर्मिसाइडल एंड ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था स्पर्मिसाइडल, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना था। हो सकता है ऑप्शन आपको अलग अलग मिले होंगे, ए में मिला होगा, बी में मिला होगा, मेरे को पता नहीं है, बट आपको आंसर करना था स्पर्मिसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और आपको ऑप्शन अलग अलग मिले होंगे। हो सकता है मैंने जो ऑप्शन दिए उन्हीं में से आपको ऑप्शन मिले होंगे। देखिए, ऑप्शन देखिए, ए हाइपरटेंशन, बी स्मोकिंग, सी हाई कोलेस्ट्रॉल, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको डिफरेंट कोई ऑप्शन मिले तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिनेफ्रिन ड्रग आर गिवन बाय विच रूट। जो एपिनेफ्रिन ड्रग है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर दी जाती है एपिनेफ्रिन ड्रग। तो एपिनेफ्रिन ड्रग है उसका रूट आपसे पूछा गया था कि किस रूट से ये ड्रग दी जाती है, आपको आंसर करना था इंटरमस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। ये दो ही रूट होते हैं जो मेनली यूज लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RMNCHA+ प्रोग्राम। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था जो RMNCH प्रोग्राम है उससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो A+ है इस प्रोग्राम के अंदर, A+ है इसका मतलब क्या है? आपको आंसर करना था एडोलसेंट हेल्थ। ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं। अगर इनके अलावा आपको पता है, जिन्होंने भी MPCHO का एग्जाम दिया है और उनको पता है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जब भी इसके आंसर की आएगी तो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, नर्सिंग चैलेंजर्स आपको सर्च करना है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल सके, क्योंकि वहां पे डेली टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच।